मंत्रोच्चार, घंटी और शंख की ध्वनि, गले में चुनरी, माथे पर समाजवादी पार्टी की लाल टोपी और हाथ में आरती की थाल। ...2024 लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का यह नया रूप है। सॉफ्ट हिंदुत्व वाला रूप। 24 की चुनावी पिच पर बीजेपी को टक्कर देने के लिए समाजवादी पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाने जा रही है। जिस धरती पर पुराणों की रचना हुई थी, जिस जगह 88,000 ऋषियों ने तपस्या की थी, उसी सीतापुर के नैमिषारण्य से समाजवादी पार्टी ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। 2 दिन के इस शिविर की शुरुआत 9 जून से हुई। 9 जून को अखिलेश हवन पूजन और आरती करते नजर आए। हवन पूजन के बाद अखिलेश ने बताया कि नैमिषारण्य को अपने अभियान की शुरुआत के लिए क्यों चुना गया। इसी बहाने वो बीजेपी पर भी करारा वार करते नजर आए। किस बात का है, दुख इस बात का है कि पुलिस को चोर कहा जा रहा है। आज मैं आपके आने से पहले जो मैंने खबरें पढ़ी और उठाई, देखी और सोशल मीडिया पे जो सबसे पहली तस्वीर आई, वो यही तस्वीर दिखा रही थी कि पुलिस चोर है और पुलिस पकड़ी गई। ये अलग बात है कि पुलिस ने पकड़ा, लेकिन 50 किलो चांदी पकड़ी गई चोरी की और बरामद किसके हुई एक पुलिस वाले के घर पर, ये कैसा स्टेट बना दिया। वहीं 10 जून को इसी जगह पर अखिलेश यादव प्रशिक्षण शिविर में करीब 5,000 कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते नजर आए। ये मंत्र है राम मनोहर लोहिया का, समाजवाद और अंबेडकरवाद के साथ सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर आगे बढ़ने का मंत्र। लेकिन सवाल है कि क्या अखिलेश यादव के सॉफ्ट हिंदुत्व के इस हथियार से 2024 में साइकिल को मिलेगी रफ्तार। जितेंद्र सैनी, सीतापुर, भारत एक्सप्रेस।